दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया कि LIC असिस्टेंट मेंस के जो मार्क्स हैं वो जिन डिवीजन में रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका है तो आप अपने मार्क्स के लिए अगर आप RTA डालते हैं तो आपके पास मार्क्स जो है डिपार्टमेंट आपको भेज सकता है। ओके, ऐसा कई सारे लोगों ने किया और उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उसके रिगार्डिंग अपडेट डाला था। तो आप लोग पूछ रहे हैं कि RTI को फाइल कैसे करना है, RTI कैसे डालते हैं, क्या मैटर लिखना है वहाँ पर, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो वेबसाइट है वो है आपकी rtionline.gov.in, ठीक है। इस वेबसाइट पर आप आएंगे और आते ही यहाँ पर जो ये लॉगिन एरिया है, ठीक है, अगर आपके पास आपका ID पासवर्ड है तो आप डायरेक्टली साइन इन करेंगे। अगर आप पहली बार इस rtionline.gov.in पर आ रहे हैं तो आपको एक यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है, साइन अप हियर। तो जब आप यहां पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा और जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको जिस पे स्टार लगा है वो डिटेल सारी भरनी पड़ेंगी, अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और जिस ईमेल आईडी पर आपके लिए सारी चीज़ें भेजी जाएंगी वो चीज़ आप वही ईमेल आईडी यहां पर डालना। ओके, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब आप पूरा साइन अप कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और उसके बाद आप इसी rtionline.gov.in पर आकर यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है। आप यूजर नेम डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और साइन इन करेंगे। जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपका ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका होम पेज है। अब इस होम पेज में यहाँ पर सीधे सीधे मेंशन आपको क्या करना है, आपको करना है दोस्तों ये जो सबमिट रिक्वेस्ट है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे एक आपका पेज ओपन होगा, ठीक है, वो पेज कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ RTI ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द एबव गाइडलाइंस और सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर सबमिट करेंगे आपके पास मेन RTI वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको ये नहीं पता कि इसमें भरना क्या है, तो ये लिखा है ना सर्च पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, आप सर्च पब्लिक अथॉरिटी में LIC केवल सर्च करना, ठीक है। जैसे अगर मैं बता दूं कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो उत्तर प्रदेश वगैरह से इसने फॉर्म भर रखा है, ठीक है, तो आपको LIC लिखना है। ओके, अब आप देखो एक आ रहा है मुंबई सेंट्रल ऑफिस, फिर LIC सेंट्रल जोन, ठीक है, छत्तीसगढ़, MP, ECZ बिहार, तो इसमें आपको अपना वाला ढूंढना है कि आपका कौन सा है। अब जैसे कोई पर्सन ने अगर यहाँ पर फिल कर रखा है UP उत्तराखंड से, उसने जोन में, तो यहाँ पर उसको वो वाला जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सर्च पब्लिक अथॉरिटी में आपको अपना जोन डालना है। अब ये मुझसे मत पूछना कि मेरा कौन सा जोन है, जिस जोन के लिए आपने अप्लाई किया है वो जोन यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, पूरी लिस्ट देखोगे, इसमें दोस्तों आपको सारे जोन दिख जाएंगे, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं केवल LIC ही देखूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर LIC सेंट्रल ऑफिस, ठीक है, CZ, ECZ, EZ, ठीक है, NCZ, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप यहाँ पर एक बार देख लेना। ओके, अब सपोज कर लो कि मैंने ये वाला जोन सेलेक्ट कर लिया है, दिल्ली, UP, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ये आ रहा है आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो सपोज कर लो कि मैंने दिल्ली UP वाला सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ये जो है सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, और जो पब्लिक अथॉरिटी है जहां पर आप जो है RTI फाइल कर रहे हैं उसका यहां पर यही वाली वैल्यू, ये वाला नाम आ जाएगा। आपको क्या करना है, नाम डालना है अपना, जो है जेंडर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर आ जाएगा क्योंकि जब आपने साइन अप फॉर्म किया होगा तो वहाँ पर आपने सारी डिटेल डाली होगी, ये ऑटो फिल आएगी। फिर भी अगर कोई डिटेल नहीं है तो आपको वहाँ पर भरना पड़ेगा। एड्रेस, यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है, ठीक है, जो आपका रीजन है वो आ जाएगा। पिन कोड आपका हो गया, ठीक है, वो डालना है। कंट्री इंडिया, स्टेट आपको डालना है कि कौन सा स्टेट जब आपने साइन अप किया था तो वहाँ पर प्रॉपर स्टेट आया होगा, ठीक है, जिस जब आपने फॉर्म फिल किया था, ठीक है, साइन अप वाला, तो वहां पर आपने स्टेट डाला होगा, वो चीज यहां पर आ गई होगी, ठीक है। स्टेटस आ जाएगा रूरल अर्बन जहां आप रहते हैं, ठीक है, और लिटरेट इलिटरेट, ये आपको इन्फॉर्मेशन यहां पर भरनी है। इसके बाद में आपसे पूछेगा कि आप की क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब ये आपने डिटेल साइन अप में भरी होगी वो यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। अपना फोन नंबर और मोबाइल नंबर आपको यहां पर फिल करना होगा, इस पर आपको SMS अलर्ट समथिंग सब कुछ आएगा, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी आपको डालनी है, ठीक है, जो आपकी ईमेल आईडी है वो, बाकी ऑटोमेटिक फिल होकर आ रही है तो वेल एंड गुड। इसके बाद नीचे आप आओगे
तो ये लिखकर आएगा ना कि ओनली इंडियन सिटीजन्स, तो यहाँ पर इंडियन ही रहेगा। इन द एप्लीकेंट बिलो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या आएगा कि अगर एप्लीकेंट जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है तो अगर यस कर दोगे तो आपको यहाँ पर प्रूफ देना होगा, ठीक है। अगर आप नो करोगे तो यहाँ पर 10 रुपये की फीस आपको पे करनी होगी, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट है वो आपको डालना होगा, तो आप सीधी सी बात है आप यहाँ पर डाल देना कि आई अपना नाम, ठीक है, जो भी है आकाश, पुनीत, आलोक, समथिंग जो भी नाम होगा वो डालना, ठीक है, आई माई नेम। फिर वहाँ पर कॉमा लगाकर लिखना अपियर्ड इन मेंस एग्जाम ऑफ LIC असिस्टेंट, ठीक है, आपका जब हेल्ड हुआ हो, अब किसी का 22 दिसंबर 2019 को हुआ है तो वो अपनी डेट यहाँ पर डाल देगा, फ्रॉम, ठीक है, जो आपका रीजन हो, बरेली डिवीजन, समथिंग जो भी डिवीजन हो, ओके। फिर आप लिखना इन विच आई वॉन्ट टू नो माई ऑप्टेंड सेक्शनल स्कोर, ठीक है, तो आप ये डिटेल जब डालोगे, इसके बाद आपका आएगा नेम, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और अप्लाइड डिवीज़न, जिस डिवीज़न के लिए आपने अप्लाई किया उसका नाम भी यहाँ पर मेंशन कर देना। इतनी डिटेल डालने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपना एडमिट कार्ड ही अपलोड करना चाहें तो आप वो चीज़ यहाँ पर अपलोड कर दोगे चूज फाइल में, फिर आप एंटर सिक्योरिटी कोड डालोगे और मेक पेमेंट कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आप ये वाला प्रोसेस करोगे तो आपका RTI सबमिट हो जाएगा। और एक चीज़ आपको और बता दें, जो आपको मैंने लॉगिन प्रोसेस बताया था, जब कभी चेक करना कि आपके RTI का स्टेटस क्या है तो आप साइन इन पर लॉगिन करोगे तो उसके बाद जो यहाँ पर आएगा व्यू स्टेटस के थ्रू आप वो चीज़ देख पाएंगे, ठीक है। तो यही प्रोसेस है RTI को डालने का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिसको रिक्वायरमेंट है वो डाले, अननेसेसरी कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर एप्लीकेशन या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है उनका रिप्लाई आएगा, नहीं तो यही लिखा हुआ आएगा कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज अंडर गोइंग, ठीक है, तो इस वजह से वो डिटेल आपको नहीं दे पाएंगे। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।